हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिशा। वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए आज लाई हूँ झटपट से बनने वाली बिरयानी रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन, दोनों सेम ही क्वांटिटी में चाहिए। चावलों को हम थोड़ा सा पहले भिगो लेंगे, फिर हम दूसरे बर्तन में पानी बॉयल करने के लिए रखेंगे। इसमें डालेंगे ऑयल, नमक और कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी। जब पानी बॉईल हो जाए इसमें हम भीगा हुआ चावल डाल देंगे। चावलों को हमें सिर्फ 70% बॉईल करना है। फिर हम एक बर्तन में ऑयल लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये अपने आप ही तेल छोड़ देगा, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन। फिर ये जब ऐसा हो जाएगा तो इसे कुछ इस तरीके से छान लेंगे। अब हम लेंगे अपना चिकन, चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन में हम डालेंगे गोल्डन ब्राउन करा हुआ प्याज और कुछ मिर्चें जिन्हें हमने बीच से फाकी कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ इस तरीके से। फिर हम डालेंगे बिरयानी मसाला, आप घर पे बना सकते हैं या बाजार से ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे दही। दही डालने के बाद दोनों सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें डालेंगे कुछ और मसाले जैसे गरम मसाला, मीट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। अच्छे से डालने के बाद इसे अच्छे से हाथों से या फिर किसी भी चम्मच से मिला लेंगे। फिर हम लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे ऑयल, तेज पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद अच्छे से चला लीजिए। फिर इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद अपना चिकन डाल देंगे इसमें। चिकन डालने के बाद हमें इसे अच्छे से ऑयल में चलाना है। चलाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। कम फ्लेम पे कर ढक दीजिएगा। फिर जब ये अच्छे से ऑयल छोड़ देगा तब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अभी भी थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है, इसीलिए थोड़ा सा और ढक देंगे। तब ये अच्छे से जब ऑयल छोड़ देगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑयल छोड़ दिया है। आप इसे चाकू की मदद से देख लीजिए, ये पक भी गया होगा। 80-90% पक जाए फिर जब हम लेयरिंग करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें से मैंने आधा चिकन निकाल लिया है क्योंकि मैं लेयरिंग करूँगी, और नीचे वाले उसमें हमें ज़्यादा सा ऑयल रखना है क्योंकि हम इसे पकाएंगे अभी थोड़ा। और फिर हमने इसमें डाला है चावल। चावल डालने के बाद डालेंगे हम इसमें गोल्डन ब्राउन कलर का अपना प्याज, और फिर इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। मैंने इसमें फूड कलर मिक्स किया है। फिर इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। फिर इसमें फिर से चिकन डालेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे हम चावल। चावल डालने के बाद फिर से हम इसमें वही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, जैसे वो हमारा गोल्डन ब्राउन वाला प्याज, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, घी, ग्रीन फूड कलर डाला है मैंने ताकि इसमें 2-3 कलर के चावल के कलर आ जाएँ। मुझे कलरफुल चीज़ ज़्यादा पसंद है। फिर इसे हम ढक देंगे, किसी भारी चीज़ को रख देंगे। फिर इसे हटा के खोलेंगे जब हमें इसे सर्व करना हो। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है ना, चावल कितना खिला खिला है और पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे दही, चटनी, रायता, सैलेड किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने बनाई थी हरे पुदीने की चटनी और सैलेड के साथ सर्व किया है। ऐसी झटपट से बनने वाली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।